नमस्कार दोस्तों, मैं सुजय कुमार और आपके अपने चैनल सुजय फैंटेसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि एक कल से लीग स्टार्ट हो रहा है, जीएसए टी20। ठीक है, जीएसए टी20 चैंपियंस कर करके ये लीग स्टार्ट हो रहा है और इसके करीब करीब लगता है 25 से 30 मुकाबले इस सीरीज के होने वाले हैं। सारे मुकाबले मैं फॉलो करूंगा और इंटरनेशनल के तो जितने भी मुकाबले वो तो हम लोग फॉलो कर रहे ही कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि साउथ अफ्रीका इंडिया का टेस्ट मुकाबला है तो वो चैनल में वीडियो अपलोडेड है। कितना जबरदस्त वाला वो मैच है ना, मैंने पूरे ढंग से पूरे डिटेल से बताया है कि विराट कोहली क्या करेंगे, रोहित शर्मा क्या करेंगे, सारा कुछ मैं उस वीडियो में मैंने बताया है, तो जाकर के चेकआउट कर लेना। और 26 दिसंबर को ही ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का ही टेस्ट मुकाबला है तो वो भी वीडियो चैनल में अपलोडेड है, तो जाकर के उसको भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, अभी के लिए हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये जीएसए टी20 चैंपियंस का। ठीक है, एक मैं बात चीज बता दे रहा हूं कि इसके बाद जो वीडियो खत्म होकर के एक नया वीडियो आएगा ना, वो नेपाल प्रोस टी20 जो चल रहा है ना, उसका भी वीडियो आपको इस वीडियो के खत्म होते के साथ ही मिलने वाला है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, एक एक प्लेयर के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, सारा कुछ कहानी बताने वाला हूं। 8:45 में आपको सुबह ही आपको कल मैच होता हुआ दिखने वाला है जो कि एनएससी और एसी के बीच में यह मुकाबला होने वाला है। अब इनके प्लेयर के स्टैट्स वगैरह सारा कुछ कहानी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। देखो तो ये 8:45 में 25 दिसंबर जो कि कल के दिन होने वाले हैं, एवरेज स्कोर जो इस पिच पे बनता है ना वो 102 रन बनता है। क्लाउड्स अगर मैं बात करूं तो स्कैटर्ड क्लाउड्स है, थोड़ा बहुत बारिश की संभावना आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन बादल छाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बारिश है। मैच आपको कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, मैच आपको कंप्लीट होता हुआ दिखने वाला है, इसलिए बता रहा हूं मैच बहुत जबरदस्त वाला बनने वाला है। और फर्स्ट मैच है ना इस लीग का, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। ग्रैंड लीग खेलना हो या फिर स्मॉल लीग खेलना हो, आप बिल्कुल भी प्रीफर कर सकते हो। किस ग्राउंड पे होने वाला है, अमीन गांव क्रिकेट ग्राउंड गुवाहाटी इंडिया में ही मुकाबला ये होने वाला है। ठीक है, और जो पिच है ना वो बॉलिंग साइड को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करती है, और बॉलिंग में भी किसको सपोर्ट करती है तो पेसर को यहाँ पर थोड़ा ज्यादा डोमिनेट मिलता है, मतलब पेसर यहाँ पर ज्यादा विकेट निकालते हुए आपको दिखेंगे हर मुकाबले में, तो ये भी देख के चलेना। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना, बिकॉज फाइनल टीम तो आपको टेलीग्राम पे ही मिलने वाली है भाई। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो सबसे बड़ा गलती आप यहीं पे कर रहे हो, बिकॉज सारा कुछ डिटेल से फाइनल टीम सारा कुछ आपको मिल जाएगा आपके मतलब मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो जाकर के चेकआउट कर लेना, ऐसा इंटरफेस आपको दिख जाएगा ज्वाइन पे क्लिक करके। इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है डाला हुआ। ठीक है, अब ₹200 का गिव अवे भी है, तो उसमें आपको कुछ करना नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको क्या करना है। जो हमारा सिस्टम है ना गिव अवे का, उसमें को क्या कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा पॉइंट ड्रीम इलेवन पे बैटिंग सेक्शन से कौन सा बंदा देने वाला है उसका नाम लिख दो, और सबसे ज्यादा पॉइंट ड्रीम इलेवन पे बॉलिंग सेक्शन से कौन सा बंदा देने वाला है उसका नाम लिख देना है। कमेंट में आपको #NSC vs AC लिख देना है, और लेकिन नीचे ध्यान रखना आप हमारे सब्सक्राइबर्स रहना जरूरी है, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो ये सारा कहानी अगर आपका सही हो जाता है तो आपको आराम से ₹200 मिल जाएंगे। अब थोड़ा टीम के बारे में डिस्कस करते हैं क्या कहानी रहने वाला है। तो न्यू स्टार क्लब जो कि एनएससी टी20 जो कल से स्टार्ट हो रहा है ना, जीएसए टी20 लीग का, उसमें पहली टीम है और इनका अभी तक एक भी मुकाबला हो नहीं रखा है। तो चलो इनके प्लेयर का स्टैट्स एक करके डिस्कस करेंगे। प्लेइंग 11 तो अभी बता ही नहीं सकते कि क्या कहानी रहने वाला है, तो प्लेयर का स्टैट्स थोड़ा देखते हैं। और देखो मैं चाहता ना तो पूरा स्टैट्स लेकर कहता, अभी जैसे साउथ अफ्रीका इंडिया वाला टेस्ट उसमें जरूरत है भाई, हेड टू हेड रिकॉर्ड है, रिसेंट स्टैट्स है, 2023 में उनका टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस है, सारा मैंने वहां पे डिस्कस किया, लेकिन इस मैच में उतना जरूरत नहीं है, इसलिए रिसेंटली से आप काम चलाओ। आखिर के कुछ भी अगर आप देखोगे ना तो रिसेंट पे ही फोकस करोगे आप। तो जुनेद रहमान है, इनका रिसेंटली वाला परफॉर्मेंस है 24-58, 18-0-1 रन, तो कुल मिलाकर के परफॉर्मेंस इनका अच्छा खासा है। चाहते हो तो बिल्कुल लेकर के जा सकते हो, बिल्कुल आपके लिए अच्छा खासा टीम में प्रीफर्ड रहेगा। एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, इनका सिलेक्शन 1% से भी कम है ड्रीबलिंग पे, इंपॉर्टेंट बंदा बनेगा। नेक्स्ट जो बंदा आता है वो शुभम मंदल आता है। इनका जो स्टैट्स है ना रिसेंटली वाला, उसमें देखो 5 रन, 21 रन, 11 रन, 32 रन, 1 विकेट, परफॉर्मेंस इनके अच्छे खास है। थोड़ा बहुत भी बॉलिंग करना भी जानता है, हालांकि उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, एवरेज रिकॉर्ड है। जितना से जितना ज्यादा टीम में हम लोग बॉलर को लेकर जाके बेनिफिट वाला काम होगा, बिकॉज पिच जो है ना वो बॉलर को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो बंदा आता है वो अर्णब बुड़ा आता है, इनके कुछ खास स्टैट्स नहीं है। एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, जिनका कुछ खास स्टैट्स नहीं रहेगा उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे वीडियो लंबा नहीं करना है भाई। ठीक, जो इंपॉर्टेंट रहेगा ना उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे अरुण सोनार आ जाते हैं, इनका नाम है भाई अरुण सोनार। आप इनका देखो 4 रन, 49 रन, 11 रन, 33 रन, ठीक है, तो कुल मिलाकर के ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर जा रहा है, एवरेज रिकॉर्ड है, बट परफॉर्मेंस सबको अच्छा कैसे करता देखेगा। तो स्मॉली की टीम में मेरी टीम में जगह इनका बनेगा, मैं इनको लेकर के जाऊंगा। नेक्स्ट जो बंदा आता है वो अनुराग तालुकदार है, जो कि विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको दिख जाएगा, 14 रन है, 20 रन है, 1 रन है, 52 रन है, 14 रन, जो ये परफॉर्मेंस देकर के आ रहा है रिसेंटली वाला वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, राइट हैंड बैट्समैन है, इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता हुआ दिखेगा, आप लेकर के जा सकते हो। नेक्स्ट जो बंदा आता है वो विशाल रॉय आता है, 59 रन के अलावा और एक मैच में 32 रन है, ठीक ठाक है परफॉर्मेंस, बट उतना कुछ खास नहीं है, बट जगह बनेगा जो कि बन रहा था मेरी टीम में, तो मैं इनको जरूर लेकर के चलूंगा। अभी चलेंगे ड्रीम इलेवन पे हम लोग, तो वहां पे बात करेंगे किसको लेकर के जाना है किसको नहीं। राजवीर सिंह का कुछ खास स्टैट्स नहीं था, मिर्जा रिजवी का कुछ खास नहीं था,
बोनोजीत अधिकारी, लास्ट के जो चार मुकाबला खेला है बस एक मैच में मिला है 3 विकेट। तो भैया एक मैचेस के बेसिस पे तो हम किसी को ट्राई नहीं कर सकते ना, इनको हम लोग ड्रॉप करके चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो बंदा आता है वो पीयूष खत्री आता है, राइट हैंड मीडियम फास्ट आपको बॉलिंग करता हुआ दिखेगा। 2 मैच में सिर्फ 1 विकेट इसको मिला है, लास्ट के 2 ही मुकाबला खेला है। उसके अलावा कुछ खास इनके स्टैट्स है नहीं तो मैं इनको ड्रॉप करूंगा। आदित्य राय चौधरी, कुछ खास इनके स्टैट्स नहीं थे। फिर उसके बाद राजीव दास, फिर यहाँ पे आते हैं रंगा ज्योति, क्या नाम है इनका, रंगा ज्योति खारगोड़िया, लेफ्ट आर्म स्पिन आपको बॉलिंग करता हुआ दिखेगा। रिसेंटली परफॉर्मेंस देखो आप, 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, परफॉर्मेंस इनके अच्छे खास हैं। लास्ट के 5 मुकाबले में 2 मुकाबले में तो अच्छा खासा विकेट निकाल करके आया, इंपॉर्टेंट बनेगा, लेकर के जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो बंदा आता है सुब्रता, देखो इस सारे बंदे का कुछ खास स्टैट्स नहीं था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर शेयर नहीं किया, यहाँ पर आपको बताने की जरूरत नहीं, समझाया। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा ना उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, आप इन्हीं में से किसी ने किसी को प्रीफर करना, आप आराम से विन कर जाओगे। ठीक है, अगर आपको नहीं भी समझ में आता है ना तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, फाइनल टीम आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, अमित बोरो जो किस टीम के कैप्टन है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट को बॉलिंग करता हुआ दिखेगा। कोई भी ऐसा मैच नहीं जिस मैच में इनको विकेट ना मिला हो, फर्स्ट मैच में 10 रन प्लस 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट, हर मैच में परफॉर्मेंस करके आ रहा है, हर मैच में इनका रिकॉर्ड है, अपने टीम में आराम से लेके जा सकते हो। नेक्स्ट जो आता है वो मनोज दास आते हैं, राइट हैंड बैट्समैन प्लस राइट हैंड मिडिल फास्ट आप बॉलिंग करता हुआ दिखेगा। 2 मैच को छोड़ के हर मैच में इनको विकेट मिल रखा है, अच्छा खासा रिकॉर्ड है, लेकर के जा सकते हो। नेक्स्ट जो बंदा आता है ना वो आता है रोनित अख्तार, कुछ खास नहीं बनने वाले हैं, उज्जवल दास कुछ खास नहीं, गोपाल कृष्ण, रामा जायसवाल, बाकी यहाँ से कोई खास पिक नहीं बनने वाला है इनके टीम से। जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने सारे डिस्कस कर दिया आपके साथ, जितने भी स्क्वाड में प्लेयर थे सारे डिस्कस, जो अच्छे खासे थे वही मैंने आपके साथ शेयर किया। अब इसके बाद सारा कहानी आ जाता है दूसरी टीम के बारे में, लेकिन सब उससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना, नोटिफिकेशन मिलेगा तब तो कहानी आपको समझ में आएगा ना। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लेना, जैसे यहाँ पर लाइक किया हुआ है भाई। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, जो दूसरी टीम है ना वो यहाँ पे देख लो, अंकुर ज्योति क्लब है एसी, जो इनका शॉर्ट फॉर्म टीम का नाम है। अब इनके प्लेयर के स्टैट्स थोड़ा सा देख लेते हैं, तो देखो यहाँ से जो बंदा दिख जाएगा देवानूज गोस्वामी दिख जाने वाले हैं, रिसेंटली परफॉर्मेंस आप देखो, सिर्फ 1 मैच में 33 रन है, उसके अलावा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो भैया एक मैचेस के बेसिस पे तो हम लोग ट्राई नहीं करने वाले हैं, तो इनको हम लोग ड्रॉप करके जाएंगे। नेक्स्ट जो बंदा आता है वो यहाँ पे मानस गुप्ता है, कुछ खास नहीं है। विक्टर कश्यप, इनका परफॉर्मेंस देखो, 22 रन है, फिर 25 रन है, बाकी पिच में नील बटा सनाटा है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, आराम से आप इनको ड्रॉप करके जा सकते हो। नेक्स्ट जो बंदा आता है ना वो यहाँ पे आते हैं प्रहलाद ज्ञान, 5 रन और 2 रन बनाकर जा रहा है, इंपॉर्टेंट ये भी नहीं बनेगा, आराम से आप इनको भी ड्रॉप करके जा सकते हो, कुछ खास स्टैट्स इनके नहीं बनने वाले हैं। नेक्स्ट जो बंदा आता है वो तेज खान है, इनका भी कुछ खास नहीं है, 2 और 9 4 रन है, 30 बेसिस पे अपने टीम में लेके जाओगे। उसके बाद जयंता दे, जिबुर रहमान, विजय सिंह, देवन शर्मा, कुछ खास नहीं बनने वाले, इन सारे का कुछ खास स्टैट्स है ही नहीं था, तो मैं भैया क्यों स्टैट्स डिस्कस करूं जिनका कुछ खास स्टैट्स है नहीं। उसके बाद आते हैं पल्लव करुणाकर, आप इनका देखो, बंदा खेला लास्ट के 4 मुकाबले, लेकिन बॉलिंग सिर्फ 1 ही मुकाबला में इनको मिला, और उसमें ये बंदा कुछ खास नहीं कर पाया, हालांकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, बहुत तगड़ा वाला बॉलर होता है ये, तो 0 विकेट निकाल के आया। अगर कल के मैच में बॉलिंग मिलता है इनको, प्लेइंग 11 में खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट बन सकता है। प्रिंस ठाकुर, आप इनका देखो, राइट आर्म मीडियम फास्ट आपको बॉलिंग करता हुआ दिखेगा, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, एक मैच को छोड़ देना तो सारे मैच में बंदे ने विकेट निकाल रहा है, और यहां पर भी परफॉर्मेंस आपको अच्छा खासा करता हुआ दिखेगा, बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट करना, लेकर के जाना अगर बंदा खेलेगा, बिल्कुल खेलेगा, मेरे टीम में 100% रहने वाला है। अनुभव आचार्या, आप इनका देखोगे तो 2 मैच में अच्छा खासा स्टैट्स है, उसके अलावा कुछ खास नहीं है, बट जगह इनका बनेगा, 10% सिलेक्शन इंटरव्यू में मैं लेके जाऊंगा। हिमांशु सरस्वती, भैया क्या गजब का परफॉर्मेंस दिया है, सी और बीसी में इन्हीं को लेके जाऊंगा। देखो मैंने बताया था आपको कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर बहुत खतरनाक होता है, पहले मुकाबले में 1 विकेट, फिर 4 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 5 विकेट, फिर 2 विकेट, देख रहे हो ना, 5 विकेट भी निकाला, पंजाब भी निकाला, इंपॉर्टेंट बनेगा, लेकर के जा सकते हो, बहुत अच्छा खासा स्टार्ट है इनका। ठीक है, नेक्स्ट जो बंदा था वो अब्दुल इमरान अली, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे देखो एक जो बंदा आता है ना सबसे इंपॉर्टेंट वाला, जो आकाश बास्फोर आते हैं, इनका नाम है ब्लास्टफोर, ब्लास्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे देखोगे तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन ऑफ स्पिन आपको बॉलिंग डालता हुआ दिखेगा, 9 रन प्लस 1 विकेट, 23 रन प्लस 0 विकेट, 15 रन प्लस 2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 18 रन 3 विकेट, भैया हर मैच में बैटिंग भी कर रहा है, हर मैच में बॉलिंग भी दे रहा है आपको, हर मेसा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखेगा, आराम से लेकर के जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो आता है विनय बास्फोर है, कुछ खास नहीं बनने वाले हैं, समीर देवड़ा है, देवड़ा वो बिहार वाले देवड़ा नहीं है, बेवड़ा भी नहीं है, तो देवड़ा है, इनको हम लोग ट्राई कर सकते हैं, अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, लेकर के जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो बंदा आता है वो अक्षत गुप्ता, ऋषिराज, कुछ खास यहाँ से कोई खास बनने वाला है नहीं। ठीक है, बाकी यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, वीडियो अच्छी लग रही है तो ही सब्सक्राइब करना भाई, और भी मुकाबले हैं उसको भी देखो, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही ना तो अभी साउथ अफ्रीका इंडिया टेस्ट मुकाबला का वीडियो अपलोडेड है, जाकर के चेकआउट कर लो, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का वीडियो अपलोडेड है वो जाकर के देख लो, उसके बाद अब जज करो ना कि भैया आप कैसा वीडियो दे रहे हो, आपका क्वालिटी कैसा है, कंटेंट कैसा है। ठीक है, उसके बाद अब जज करना। ठीक है, उसके बाद तो सब्सक्राइब कर ही लोगे आप, मुझे ये यकीन है भाई। अब चलो ड्रीम इलेवन की टीम डिस्कस कर लेते हैं, मैंने ए तालुकदार को रखा है विकेट कीपिंग सेक्शन से, जे जुनीद रहमान, बिशन रॉय, अरुण सोनार को मैंने रख लिया बैटिंग सेक्शन से, ऑलराउंडर सेक्शन से एम दास, ए बोरो, ए बास्कोर, फिर ए गुप्ता को मैंने रखा है, पीपी ठाकुर,
ए सरस्वती और ए आचार्य को मैंने रखा है, कैप्टन ने दिया है आकाश बासकोर को और वाइस कैप्टन सरस्वती को मैंने दे दिया। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था बहुत सारा कुछ कहानी वैसा ही ढंग का हुआ है और सारा कुछ कहानी आपको इसी ढंग का देखने को मिलेगा। ये भी बिल्कुल भी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली है। इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाकर ज्वाइन कर लेना। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक और वीडियो के साथ। तब तक लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, जय हिंद।